किसी को यहाँ पर बहुत ठंडा लग गया है ये। हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रौतेला फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज है संडे, आज हम चल दिए हैं एक डेस्टिनेशन की ओर जहां आराम से हम बैठकर अपना टाइम बिताएंगे। और अभी बजा है दिन का 12, आपको बहुत जल्द दिखाएंगे कहां जा रहे हैं हम। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे इस ब्लॉग में, चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। जिस डेस्टिनेशन पे हमने आज जाने का प्लान बनाया है वो हमारे घर से ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर्स है, तो हम मेट्रो से जाएंगे। तो अभी हम पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन और ट्रेन हमारी बस आने वाली है। काफ़ी सारे लोग हमें ऑलरेडी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर, सामने एक फैमिली भी जाते हुए दिखाई दे रही है। इन्होंने तो म्यूज़िक भी यहीं से स्टार्ट कर दिया है और अपना यहीं से आराम से डांस करते हुए जा रहे हैं। आज जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं उसका नाम है जंग फ्रेडे वॉक्स पार्क। इसमें एक लेक है बहुत अच्छी, एक जू भी है ऐसा हमने देखा था गूगल में, तो उसके रिव्यू भी हमने पढ़े तो हमें काफ़ी अच्छे लगे रिव्यू, इसलिए हमने प्लान बनाया कि आज वहीं जाया जाएगा। बस अब हम पहुँचने वाले हैं। हम कर रहे हैं इस पार्क में एंट्री। अभी यहाँ से ऐसे ही थोड़ा पैदल जाना है हमें, उसके बाद लेक हमें नज़र आएगी। अभी से हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलने लगी हैं, बढ़िया सा ग्रीन एरिया है पूरा और उसके अंदर हम चलते जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। इसी पार्क के अंदर एक लेक साइड बीच भी है, वो भी आपको दिखाएंगे, और फिलहाल तो हम इंजॉय कर रहे हैं इस ग्रीनरी को। तो इस तरह के बेंचेस भी यहाँ पे जगह जगह बने हुए हैं ताकि लोग आराम से अपना रेस्ट करते हुए जा सके। तो यहाँ इस जंगल में पूरा दिन स्पेंड करने के लिए हर एक चीज़ मौजूद है जिससे आप इजीली अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पर आराम से यहाँ पर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, बच्चों के साथ साथ एडल्ट भी यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे साइकिल से भी आए हैं तो यहाँ अंदर आके आप आराम से अपनी साइकिल पार्क कर सकते हो। सामने आपको नज़र आएगा जी टावर सा, उसके नीचे रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर लोग अपना खा पी रहे हैं। मिशी आप कहाँ पहुँचे हो? मैं यहाँ पहुँची हूँ, लेकिन यहाँ पर सुंदर सा टावर है, हाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ और ये मेरा फावड़ा आ रहा है। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो टावर, यहाँ से हमने एग्जिट कर लिया है, अब हम लेक की ओर जा रहे हैं। मिस्सी भाग रही है लेक की ओर। यहाँ पर लोग आराम से अपना पिकनिक मना रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं बीच के किनारे आराम से धूप सेक रहे हैं। इसी पार्क के अंदर ये किड्स पार्क भी है, तो यहाँ पे हर एक जो भी पार्क होता है ना उसके अंदर किड्स पार्क जरूर होता है। अब हम पहुंच गए हैं लेक के एकदम पास और बैठ गए हैं यहाँ पे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कैसी है ये लेक। काफ़ी बड़ी लेक है और इसमें काफ़ी लोग स्विमिंग कर रहे हैं आराम से। काफ़ी मज़ा कर रहे हैं, मिस्सी भी यहाँ पर गई है आराम से पानी में खेल रही है, सभी लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, बच्चे भी बड़े भी।
मिसी को यहाँ पर बहुत ठंडा लग गया है, ये अभी भी आने को रेडी नहीं थी, जबरदस्ती मैं इसको लेकर आई और अभी आप देख सकते हो कांप रही है ठंड से, और अभी भी कह रही है कि मुझे फिर से पानी में जाना है। एक तो अभी धूप भी चली गई है इसलिए ज़्यादा ठंडा लग रहा है। अभी तक हम बैठे थे लेक के बगल में और काफ़ी हमने एंजॉय किया, वहाँ पे लंच वगैरह कर लिया और अभी बज गए हैं शाम के 5 और आप देख सकते हो इस साइड लेक है, कितना अच्छा व्यू है। और लेक के जस्ट बगल में जो है एक जू है, तो हम सोच रहे हैं एक राउंड जू का भी हम देख के आते हैं, जू में क्या क्या है, तो कौन कौन से एनिमल्स हैं। और मिशी भी जा रही है जू में। ये है इस जू का एंट्री गेट, और अगर आप साइकिल से आए हो तो बाहर यहाँ पर पार्क कर सकते हो। तो इसी पार्क के अंदर ये जू है जिसमें अभी हमने एंट्री किया है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि कौन कौन सी गोट है यहाँ पर। ये जर्मन लैंग्वेज में ही है तो इसलिए हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट अगर आप जानना चाहो तो आप गूगल ट्रांसलेट भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो इसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। इस जू में अगर आप अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हो या अपने किड्स के साथ आकर यहाँ अपना दिन बिताना चाहते हो तो आप यहाँ पर से ये ग्रास को ख़रीद सकते हो और फिर एनिमल्स को जो है उसे खिला सकते हो, बट ये ग्रास जो है आपको यहाँ से बाय करना पड़ेगा। घूमते घूमते आपको अगर भूख लग जाए तो आप यहाँ पर कुछ रिफ्रेशमेंट भी ले सकते हो। बहुत बड़ा लेक है ये, हम पहले उस साइड बैठे थे एकदम कॉर्नर में, और अब हम घूमते घूमते पूरा लेक का जो राउंड है वो लगा रहे हैं। थक गए? नहीं थकी नहीं, नहीं थके? पानी में कितना खेला आपने? और कपड़े भी गीले हो गए। हम एक कॉर्नर से इस लेक के दूसरे कॉर्नर की ओर आ गए हैं और इस साइड भी जो है काफ़ी सारे लोग लेक के साइड में बैठे हैं और अपना चिल आउट कर रहे हैं। अगर आगे तक आप नहीं जाना चाहते हो तो यहाँ से ब्रिज है, इस ब्रिज को क्रॉस करके आप लेक के उसी वाले कॉर्नर में जा सकते हो जहाँ से हम आए थे। अब बज गए हैं शाम के 6:30 और अब हम घर की ओर जा रहे हैं, तो इस व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, नमस्कार, बाय बाय।